flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. Yeah. I never want to look back and wish I could have been. I've never got no regret. The hours I've been putting in. So take a chance on faith. You're my ballless place. Take a chance, a chance on faith. So take a chance on faith. So take a chance. I never want to look back. Take a chance on faith. Take a chance on faith. फाइनली हम लोग 11:30 को बीच जा रहे हैं. सुबह से सोचते सोचते सुबह से खिचड़ी मैगी और अंडा और ये सब कर करके फाइनली हम लोग जा रहे हैं. और अभी आने और सूरज जी है अमृता के साथ कल ही बोली थी कि वो जो स्लीपर देते हैं वो पहन के मत तू निकल और नीचे पहन के. अरे मैं चल नहीं पा रही हूँ, क्या जूता ही नहीं है पैर में. बट वेदर काफ़ी अच्छा है. हम लोग अभी 2-3 घंटे तो कहीं नहीं जा रहे, पर ठीक है. ऐसा भी नहीं है कि मतलब जल रहे हैं, तो अपना संभाल. हाँ सकते हैं, सेकेंड आप आ जाइएगा. अभी चलिए सन के. So take a chance on faith. Your mind's a ballless place. So take a chance, a chance on faith. So take a chance on faith. So take a chance. To swimming pool in the second half. Betu, you will go with me? No, I think I'll go with Betu. तो लेट रहती थे हम लोग काफ़ी. मैं पहले ही बता चुकी हूँ. 11:30 बज गए. हाँ, सब लोग ऐसे टायर्ड होके जा रहे हैं. हम लोग अभी आए. बट इट्स गुड, बहुत ही काम सा भी. खेलने लेके भी हम लोग खेल भी सकते हैं. बैडमिंटन लाना था, मैं बोला भी था बैडमिंटन ले आते. इतना कुछ लेकर आए हम लोग. Flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never want to look back. Yeah, very nice. Keep it there. और भी सेल्स था बेटा आपका, पता नहीं. Let's find shell. Go. But don't go near the water. And wish I could have been. I've never got no regret. The hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a ballless place. So take a chance. Take a chance.
chance on faith, so take a chance. I never want to look back. Take a chance. Take a chance on faith. Take a chance on faith. तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था पानी में जाने का। एक्चुअली हमने सोचा था कि बीच पे कुछ टाइम स्पेंड करके और फिर स्विमिंग पूल में जाया जाएगा, बट हम लोग वहीं पे ऑब्वियसली बीच और सी देख के कौन कंट्रोल कर सकता है, तो हम वहीं पे अच्छे से इंजॉय करके आए और बच्चों को नहला वहला के राइस बनाए और चिकन एंड अंडा करी तो हम लोग लेकर गए थे। तो चलिए हमारा जो है ये आज का लंच बिल्कुल रेडी है, लाइक होटल में होम मेड फूड, तो हम लोग खाते हैं इसको और खाने के बाद मुझे लग रहा है सब लोग सोने वाले हैं क्योंकि बीच पे सब लोग बहुत थक गए हैं। सब लोग खाना पीना खा के सो गए, मैं ही जागी हूँ, सूरज को भी उठाई हूँ, बेटू उठ गया है, इतना अच्छा माहौल है। ये अमृता करो, अमृता उठ बेटू, बाप रे तो 4 बजे ये जाने वाली थी। बेटू गुड्डू चलो है, गुड मॉर्निंग मिस्टर, डूइंग रिलैक्सिंग, मैं उठाई तो नहीं तो सोने आए हैं ऐसा लग रहा है। देखिए कोई क्लब है बच्चों लोग का। तो फाइनली सब लोग उठ चुके हैं, 5:30 हो चुका था और सब लोग रेडी होकर हम लोग बस चाय लेकर निकलने वाले हैं, थोड़ा घूम ले पूरा रिसॉर्ट। आज हमने सोचा है कि शाम का टाइम है तो पूरा रिसॉर्ट देखा जाए, क्योंकि ये जो अल्हमरा रिसॉर्ट है इसमें तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बीच गोल्फ रिसॉर्ट है, एक विला है और एक ये विलेज एंड रेसिडेंस है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो आज वो पूरा देखा जाए। तो ये बीच से होते हुए हम जाएंगे अभी गोल्फ एंड बीच रिसॉर्ट की तरफ, तो उसके बाद हम जाएंगे अल्हमरा विला की तरफ। ये पूरा कंटिन्यूस बीच ही है और वो पीछे था अल्हमरा विलेज एंड रेसिडेंस और ये है अल्हमरा बीच एंड गोल्फ रिसॉर्ट। तो इसके अंदर विलाज बने हुए हैं और एक विला के अंदर 6 रूम हैं ऐसा हम बाहर से देख रहे थे, और ये पूरी प्रॉपर्टी आपको इस टाइप की दिखती है, बट मुझे तो बहुत पसंद नहीं आई क्योंकि बहुत जब हम शाम को गए थे तो बहुत ही अंधेरा, बहुत ही सुनसान सा था। तो इस काइंड के विला रहते हैं और इसमें 6 रूम्स हैं तो मुझे तो देखकर ही थोड़ा सा डर लग गया, बहुत ही शांति थी वहाँ पे। तो इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है अल्हमरा विला, उसके लिए थोड़ा सा चलकर जाना पड़ता है, लाइक बीच से थोड़ा सा वो दूर है इसलिए वो काफ़ी कम कॉस्ट में, लाइक उसकी प्राइसिंग काफ़ी कम है, लाइक बहुत हार्डली अब 7 to 8 मिनट्स की वॉकिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम जब जा रहे थे तो ये सटा ही हुआ बिल्डिंग है अल्हमरा विला एंड विलेज एंड रेसिडेंस का, उससे सटा हुआ एक होटल है एस्टोरिया होटल, आई थिंक बिल्डिंग सेम ही है बट मेंटेनेंस कोई और करता है। तो इसका जो एंट्रेंस था वो बहुत ही गजब का था, बहुत ही सुंदर था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अल्हमरा विला। तो विला जो है आपको रो में बना हुआ है, उसके अंदर एक गेट बना हुआ है, उसके अंदर दोनों साइड रोड के अपोजिट साइड में विलाज का रो है। तो यहाँ पे एक इंग्लिश पब एंड एक रेस्टोरेंट था, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा स्नैक्स किया जाए। तो यहाँ का एम्बियंस भी काफ़ी कोजी सा था, लाइक बीच के साइड अभी थोड़ी ठंडी हो गई थी बट यहाँ पे माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था, लाइक बाहर में अच्छी खासी सेटिंग थी, ये रेस्टोरेंट है वहाँ का
और जब आप अंदर जाइएगा तो मैं दिखाती हूँ अभी, ये स्विमिंग पूल है सामने एंड बहुत दूर में एक लाइट जल रही है, वो था जिम, और साइड में सारे विलाज के बालकनी थे, तो मुझे तो काफ़ी कोजी सा माहौल लगा। और यहाँ पे भी लाइक वो सी फूड रेस्टोरेंट की तरह लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस होने वाला था, तो हमने ये शाम भी काफ़ी इंजॉय की। गुड मॉर्निंग। तो एक लास्ट टाइम हम लोग आए हैं बीच पे और अभी का मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो कल सुबह नहीं आ पाए थे, तो अभी बज रहा है 8:30, तो हम लोग आए हैं फॉर 2 आवर्स फिर जाकर, और अभी पैकिंग करनी है एंड निकलना है, तो बच्चे अपना सैंड किट लेकर आए हैं। फिर हम लोग कब आएंगे बेटा वापस, कब आएंगे हम लोग? फिर आएंगे 2 साल के बाद, घर बना दो फिगर तो वॉक करते करते काफ़ी दूर आ गए, बच्चों लोग काफ़ी दूर है, फिर से हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दस कल हम लोग लेट से आए थे, काफ़ी प्लेजेंट है, टाइट्स भी अच्छा है, टाइट्स अच्छा और इसकी आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है। सूरज जी को बोलते गाना गाने सागर किनारे, सागर के बीच पे जाएं और सैंड कैसल या सैंड माउंटेन ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बचपन से जो करते आ रहे हैं, बचपना हमारा बीच पे जाते ही जाग जाता है, और बच्चे तो मम्मा हेल्प कर दो तो मज़ा ही आता है। तो ये था हमारा टोटल 2 डेज स्टे अलहमरा रिसॉर्ट में, बहुत ही इंजॉय किया हमने। आई होप कि आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अब हो चुका है हम लोग के जाने का टाइम और इस व्लॉग के एंड का टाइम भी, तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। दिलें बाय बाय, टेक केयर।